दोस्तों, भूत प्रेत आत्माओं पर हर एक के विश्वास कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम माने कि ऐसी चीज़ें सच में होती है, खैर मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें हमारी दुनिया में भी एग्जिस्ट करती हैं, और हम इस विषय पर डीप में स्टडी करें तो इसके सबूत भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यह प्रूफ कर दूंगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं, आप इन्हें किस तरह देख सुन सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। अंत में मैं आपको मेरा कंक्लूजन भी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही डार्क कंटेंट से जुड़ी हर एक चीज़ इस चैनल पर आती रहती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सभी लोग इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि सभी लोगों ने पैरानॉर्मल चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता है, तो वो क्यों मानेंगे, बराबर। तो इससे ही जुड़ा मैंने एक YouTube पोल डाला था, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने ऐसी चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, लेकिन उनमें से कुछ वोट्स ऐसे भी थे जिन्होंने पैरानॉर्मल चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। अब सिंपल सी बात यह है कि जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें महसूस ही नहीं की है, वह कैसे इन बातों पर यकीन कर सकते हैं। इसका उल्टा, जिन लोगों ने खुद ऐसे अनुभव किए हैं, वो लोग न चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों पर, ऐसी घटनाओं पर यकीन रखते हैं। वो लोग जानते हैं कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका यकीन लोग नहीं करते हैं। कई बार इसी वजह से उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, इसलिए ऐसे लोग इन बातों को, ऐसी घटनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों ऐसी चीज़ें सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखती हैं, महसूस होती हैं, जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को ऐसी चीज़ें कभी महसूस ही नहीं होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें सच में रियलिटी में हैं तो सबको दिखाई देनी चाहिए ना, फिर क्यों ऐसी चीज़ें सभी को नहीं दिखती हैं। इसका जवाब मेरे पास है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह जवाब है, कंक्लूजन है। इसको सुनने के बाद आपके दिमाग के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका पैर किसी बिजली के तार पर पड़ जाए जिसमें बिजली दौड़ रही हो, या फिर आपका हाथ किसी बिजली के तार को छू जाए, तो आपको इससे तुरंत करंट लगेगा। लेकिन वहीं पर आपने अगर चप्पल पहनी हो, या फिर बूट पहना हो, या फिर एंटी वोल्टेज ग्लोव पहने हो, तो क्या आपको करंट लगेगा? नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमने कई बार दिवाली पर पटाखे फूटते हुए देखे हैं, क्या आपने एक बात नोटिस की है कि कई बार जब पटाखा दूर आसमान में फूटता है, तो उसकी जो आवाज़ है वो हमें कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर सिंपल है, उस पटाखे की आवाज़ साउंड को ट्रैवल करके आपकी तरफ आने के लिए टाइम लगता है, बराबर। आपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि साउंड तीन चीज़ों में ट्रैवल करता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। साउंड सबसे धीरे ट्रैवल गैसेस में करता है, फास्ट ट्रैवल लिक्विड में करता है, और फास्टेस्ट सॉलिड में करता है। ये तो हुई बेसिक साइंस वाली बातें, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या हम अगर अंतरिक्ष में गए तो क्या अंतरिक्ष में हमें वो साउंड सुनाई देगी? तो इसका साइंटिफिक आंसर है, नहीं, आपको स्पेस में साउंड सुनाई नहीं देगी। इसकी एक वजह है, और वजह यह है कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता है, और स्पेस में एयर हवा होती ही नहीं है। तो इसी वजह से अगर आपके पास कोई दूसरी स्पेस से भी फूट जाए तो आपको इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इससे हमें यह कंक्लूजन तो नहीं निकालना चाहिए ना कि साउंड का वजूद है ही नहीं, क्योंकि साउंड तो वहाँ पर है लेकिन वह सही तरीके से ट्रैवल नहीं कर पा रही है। उसको ट्रैवल करने के लिए क्या नहीं है? मीडियम। आपने यह सीखा ही होगा कि हर एक चीज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसमें साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ें आती है। किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए लगता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन जैसे हम शूज़ या एंटी ग्लोव्स पहनते हैं, तब इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने में बाधा आती है और वह वहीं पर रुक जाती है और हमें शॉक नहीं लगता है। तो आखिर में हम साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरीज से एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि इस दुनिया में भी कई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो सभी मीडियम से कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, पर कुछ ऐसे मीडियम्स भी होते हैं जिनमें ऐसी चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं, और वही इंसानी मीडियम्स को ऐसी चीज़ें दिखती है, अनुभव होती है, हो सकती है कि नहीं। ऐसे लोग उस चीज़ से कनेक्ट करके उस चीज़ की गेम्स ली झलक देख पाते हैं। जिन इंसानों से ऐसी चीज़ें अगर कनेक्ट ही नहीं कर पाती हैं, तो उन लोगों को उस चीज़ का अनुभव कैसे हो सकता है? वो मीडियम्स है ही नहीं, तो कैसे वह उस चीज़ को महसूस कर सकेंगे? अब इसमें दोष किसका है बताइए, उस चीज़ का या फिर मीडियम का? तो मैं इसको दोष तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम खुद तय कर नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ें नेचुरली कुछ ह्यूमंस में आती है। हम खुद यह तय नहीं कर सकते कि मुझे मीडियम बनना है,
और इसलिए इंसानों में हमेशा ही दो अलग अलग ओपिनियंस आते रहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है और कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ये दिमाग का वहम है। और इसी दुविधा को ख़त्म करने के लिए इंसान कई सालों से कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट करते आ रहा है, कुछ ऐसे मीडियम्स उन्होंने बनाने की कोशिश की है जिससे उस दूसरी दुनिया से वह कनेक्ट कर सके। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको उनमें से कुछ मीडियम्स बताने वाला हूँ और लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या सच में वह मीडियम उस दुनिया से कनेक्ट कर सकता है कि नहीं। एक पूरी सीरीज होने वाली है दोस्तों, जिससे हम बारी बारी से हर मीडियम को एक्सप्लेन करेंगे। तरीका बताने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स से निवेदन करता हूँ, या फिर आप इसे चेतावनी भी समझ सकते हैं, इस वीडियो में बताए गए तरीके प्रयोग करने से पहले एक बार ज़रूर सोच समझ कर और अपनी जिम्मेदारी पर ही करें, क्योंकि बहुत बार जब हम दूसरी दुनिया से ऐसी शक्तियों को हमारी दुनिया में बुलाते हैं तो कई बार वह वापस जाने से परहेज करती है। यह चीज़ आग से खेलने के बराबर है। भले ही हम अंधश्रद्धा अंधविश्वास में इसे ले जाए, पर इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मीडियम के बारे में जानेंगे और वह है EVP, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना। तो जिनको कोई भी आइडिया नहीं कि ये क्या चीज़ है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यह एक रेडियो जैसा डिवाइस होता है जो कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोस्ट हंटर्स इसे आत्माओं की आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बिल्कुल किसी पुराने रेडियो की तरह या फिर किसी पुलिस वाले के वॉकी टॉकी की तरह साउंड करती है। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं वो जानते हैं। जहाँ पर भी आत्माओं भूत जैसी चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव हो, उस जगह पर इसे ले जाकर साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें छोटे वर्ड्स और कई बार ज़्यादा सेंटेंस भी सुनाई देते हैं। 1970 के बाद यह तकनीक काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। लोग इसे ओजा बोर्ड से कंपेयर करने लगे थे, बल्कि इसे ओजा बोर्ड का एडवांस टेक्निकल रूप मानने लगे थे। लोग मानते थे कि यह चीज़ वाकई में दूसरी दुनिया से कनेक्ट करती है। दूसरी दुनिया का कंसेप्ट हमें हर युग, जाति, धर्म, ग्रंथ, देश और प्रांत में देखने को मिलता है। मतलब कि मृत्यु के बाद भी एक दुनिया है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो देखा नहीं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी दुनिया का कंसेप्ट दुनिया के कई महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने माना है और उसे एक नाम दिया है, और वो है एस्ट्रल वर्ल्ड। कई लोग इसे एस्ट्रल रियलम भी कहते हैं, कोई एस्ट्रल प्लेन भी कहता है। तो नाम भले इसका अलग अलग हो, लेकिन कंसेप्ट एक ही है। परमहंस योगानंद जी ने उनके ऑटोग्राफ में कहते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड हमारी इस दुनिया से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसको कई बार लोगों ने खुद एक्सपीरियंस भी किया है और करते आ रहे हैं। इसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मेडिटेशन, मंत्र, नियर डेथ एक्सपीरियंस, लूसिड ड्रीमिंग, इन तरीकों से एक्सपीरियंस किया जाता है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको कुछ मूवीज रिकमेंडेड करना चाहूँगा। जैसे इंसीडियस की पूरी सीरीज इस कंसेप्ट पर आधारित है, मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज, और दूसरी एक मूवी है डॉक्टर स्लीप। यह कुछ पॉपुलर मूवीज़ है जिसे आप देख सकते हैं। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो EVP हमें एस्ट्रल रियलम से कनेक्ट करता है। अब वो सच में कनेक्ट करता है कि नहीं, यह हम इस वीडियो में लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। EVP को सबसे पहली बार मैंने गौरव तिवारी जी, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उनको यूज़ करते हुए एक न्यूज़ चैनल पर देखा था। गौरव तिवारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, UFO फील्ड इन्वेस्टिगेटर और पैरानेक्सस रिप्रेजेंटेटिव थे। उनकी कहानी भी एक अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी भी एक डॉक्यूमेंट्री लाऊं, तो आपको बस कमेंट करना है कि आप चाहते हैं कि गौरव तिवारी की डॉक्यूमेंट्री चाहिए। तो गौरव तिवारी की बात करेंगे हम। गौरव तिवारी ने सुसाइड की थी, जिसके बाद उनके दोस्त ने EVP का यूज़ करके उनसे बातचीत की थी। अब वो कितनी सच थी और कितनी झूठ, ये बात उनको ही पता। लेकिन दोस्तों, वो चीज़ मुझे उस वक्त काफ़ी फैसिनेटिंग लगी थी। मतलब किसी मरे हुए इंसान से बात करना। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो एस्ट्रल रियल में विश्वास रखते थे, गौरव तिवारी जो मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग एक डार्क वर्ल्ड भी है जो मरने के बाद दिखता है, इन दोनों को ऐसी क्या सच्चाई पता चल गई थी कि उन्होंने अंतिम फैसला लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस सवाल का जवाब काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि आज तक कोई भी नहीं जानता कि मृत्यु के बाद सच में कोई दुनिया भी है कि नहीं। अगर हम इस पर ओवर थिंकिंग करें तो यह कुछ लोगों के लिए डिप्रेसिव सोच में जाने के बराबर है, क्योंकि सुशांत और गौरव दोनों की मृत्यु का कारण उनका डिप्रेशन ही बताया जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक और हम यहीं पर रहने देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि EVP एक ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि सच में किसी आत्मा से कनेक्ट कर सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम जानते हैं कि आज के समय में कई सारे ऐसे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं
जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी हमेशा ही क्रॉस कनेक्शन होते रहते हैं। नॉर्मली हमने ये चीज अपने स्मार्टफोन्स में एक्सपीरियंस की होगी कि कई बार आप जब भी किसी को फोन लगाते हैं तो फोन किसी और को ही लग जाता है या फिर आपको किसी और की आवाज सुनाई देती है। तो सिंपली ये चीजें क्यों होती है, क्योंकि हमारे वातावरण में हजारों उपकरणों की हाई फ्रिक्वेंसीज के क्रॉस कनेक्शन होते रहते हैं और इसीलिए हमें किसी और की आवाजें सुनाई देती है। ये चीजें किसी आम रेडियो पर भी आपको देखने को मिल सकती है कि कई बार हम चैनल को चेंज करते वक्त आपको कुछ साउंड सुनाई देते हैं। यूबीपी भी एक ऐसा ही रेडियो है जो वातावरण में हाई फ्रिक्वेंसी को कैच करके आपको वर्ड्स, किसी की आवाज़ जैसी चीज़ें सुनाता है। जब भी लोग ऐसी आवाज़ें सुनते हैं तो वह उस वर्ड्स के मीनिंग्स निकालते हैं। अब यह क्यों और कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक इंसानी दिमाग कई बार वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। बहुत बार आप कई ऐसे वर्ड्स सुनते हैं जो आपको पूरी तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से सुनाई नहीं दिए हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन उस चीज़ को, उस वर्ड को ऐसे कोई पर्टिकुलर वर्ड में क्रिएट करने लगता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मतलब कई बार आपको चिढ़ाया जाता है तो आपको लगता है कि कोई इंसान ने आपके बारे में यही बोला हो, रियल में वो इंसान दूसरी बात कर रहा हो लेकिन आपको वह सुनाई देगा क्योंकि आप उस चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं तो यह वर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। मतलब कि आपने उस चीज़ के बारे में पहले से कोई धारणा बना ली हो तो आपको वह वर्ड सुनाई देगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली जब सुशांत सिंह की मृत्यु हुई थी तब एक स्वघोषित पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो कहता है कि मैं मरे हुए इंसान से बात कर सकता हूँ, उसने सुशांत सिंह से बात करने का दावा किया था और उसकी वीडियो तब काफ़ी वायरल भी हुई थी, कई न्यूज़ चैनल पर भी वह दिखाई दिया था। वह इंसान सुशांत से सवाल पूछ रहा था और कमेंट्स में लोग वह जो मशीन वो बोल रही थी उसके अपने ही अलग मतलब निकाल रहे थे, सुशांत अपनी माँ के साथ है, सुशांत का कत्ल हुआ था, ऐसा कुछ। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना है कि किसी इंसान की मौत किसी पर्टिकुलर जगह पर हुई है जो कि नेचुरल नहीं है, तो इस केस में वह रूह कई दिनों के लिए उसी जगह पर घूमती रहती है। और दूसरा यह बताया किसी भी स्पिरिट से बात करने के लिए आपको उस स्पिरिट के करीबी होना ज़रूरी होता है। इसका रीज़न देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे हमको किसी स्ट्रेंजर से बात करने में दिक्कत आती है, बिल्कुल वैसे ही स्पिरिट भी अननोन इंसान से बात करने में हिचकिचाती है। और अब यह इंसान जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर सुशांत के स्पिरिट से कांटेक्ट करने का दावा कर रहा था जो कि मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ था। और बाद में यह चीज़ साबित भी हो गई थी कि इस इंसान ने सुशांत के कुछ पुराने इंटरव्यू से थोड़े थोड़े शब्द कट करके, आवाज़ से छेड़छाड़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। और फिर क्या था, इंडिया की जनता तो है ही इमोशनल फुल। खैर ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए, फेमस होने के लिए ऐसा करते रहते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना एक परफेक्ट मीडियम बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि यह स्पिरिट की साउंड कैप्चर करता हो लेकिन इसके कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि ये रियल ही वह दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे मीडियम्स को आपको एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे वीडियोज आप आगे चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अगले न किसी वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए